पिछले कुछ दिनों से हम एक आयत पर मनन कर रहे हैं, कौन सा है वो? दूसरा अध्याय उसका 22वां पद। मैं पास्टर के जॉय को धन्यवाद दूंगा कि वे इतना सुंदर रीति से परमेश्वर का वचन हमारे बीच में सुनाए। वो दिन भी जब प्रचार कर रहे थे तो बड़ा आशीषित रहा, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे वाक्य अंग्रेजी में और हिंदी में भी कहा, जिसके कारण से उनके संदेश को मैं हम समझ पाए और बड़े सुंदर शब्दों में आज सुखे। आज दोपहर को उन्होंने हमारे बीच में रखा कि यीशु मसीह का जुआ हमें लेकर चलना है, क्योंकि वो कहता है कि उसका जुआ कैसा है, हल्का है और उसका बोझ भारी नहीं है, है ना? उसका जुआ सहज है, उसका बोझ भारी नहीं है, हल्का है। कई बार मैं कुछ लोगों को सुनता हूं तो बड़ा आश्चर्य होता है। वे कहते हैं सेवकाई के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं बोलता हूं कौन सी कुर्बानी भाई, यदि कुर्बान नहीं करते सेवकाई में नहीं आते, ऐसा सौभाग्य को प्राप्त नहीं करते, संसार में रहते तो वो बोझ कितना ही भयानक होता, कितना ही खतरनाक वो स्थिति थी, कितना ही बदतर वो स्थिति थी जब तुम दुनिया की सेवा कर रहे थे और कहते हो उसको छोड़ दिया सेवकाई में आगे तो बड़ा सैक्रिफाइस कर दिया। ये तो बड़ी सुंदर बात है कि यीशु मसीह का जुआ हम पर है। कैसा ये अद्भुत जुआ है जो हमें सिखाता है कि किस प्रकार अनंत जीवन के मार्ग पर ले चले, क्योंकि वो हमें सिखाता है पथ पर कैसा चलना। और कई सात बातें हमने सुने बड़े सुंदर रीति से, इसलिए मैं परमेश्वर के दास को धन्यवाद देता हूँ। हमने देखा तिमोथियुस से पौलुस लिखते हुए कहता है जवानी की अभिलाषा से क्या कर भाग, जवानी की अभिलाषा से भाग और चार बातों का अनुकरण कर, चार बातों के पीछे दौड़ना है ना, उसका पीछा करना है। दृष्टि इन चार बातों पर लगी रहना चाहिए। चारों तरफ लोग आपको पुकारेंगे, कई आवाजें आप सुनेंगे। संसार में कोलाहल मचा हुआ है, संसार में बड़े आवाजें हैं, बड़े शब्द हैं, लेकिन उन्हें नहीं सुनना है। कई दृश्य हैं, उन्हें नहीं देखना है। हमारा दृष्टि, हमारी दृष्टि यीशु मसीह पर बनी रहे। ये चार बातें हैं। पहली बात, उसका धर्म का पीछा कर, उसका धर्म का पीछा कर, स्वर्ग राज और उसकी धार्मिकता जिसे पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया, जो हमें देता है, जो हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, उस मार्ग पर वो हमें ले चलना चाहता है। दूसरी बात, विश्वास को थामे रख, उसके लिए यत्न कर। वो पवित्र विश्वास जो संतों को सौंपा गया था। तीसरी बात उसने कहा क्या, प्रेम, प्रेम में बना रहना है। केवल प्रेम प्रेम कहने से नहीं होता, परमेश्वर का प्रेम, ये कोई संसारिक प्रेम की बात यहां पर नहीं हो रही है, ये परमेश्वर का प्रेम है जिसमें हमें बना रहना चाहिए। और यीशु मसीह पत्री लिखते हुए कहता है कलीसिया से, कहता है तू गुनगुना हो गया लौदीकिया की कलीसिया से, हा? वो कहता है तू अपना पहला प्रेम छोड़ चुका है, उस प्रेम में बना धार्मिकता, विश्वास, विश्वास की शुद्धता है ना, विश्वास का प्रचार, विश्वास का प्रयोजन, उस प्रेम में बना रहना है। और चौथी बात, मेल मिलाप। चौथी बात क्या है, मेल मिलाप। बड़ी सुंदर बात है, क्योंकि मेल मिलाप एक ऐसी बात है जो इतिहास को समेट कर रख दिया है, क्योंकि मानव इतिहास कहते हैं बड़ा ब्लड से भरा हुआ, ब्लड फिल, ब्लडी हिस्ट्री कहते हैं ना, क्योंकि उसके पन्ने, मानव इतिहास के पन्ने खून से रंगे हुए हैं। यदि आप इतिहास को पलट कर देखेंगे, युद्ध युद्ध युद्ध, मनुष्यों के बीच में शांति विहीनता, शांति का अभाव। यीशु मसीह आकर कहता है सच्ची शांति मैं तुझे देता हूं। हिंदी में इस शब्द का दो अर्थ निकाला गया है,
दो रूप में इसका तर्जुमा हुआ है, दो रूप में इसका अनुवाद हुआ है। एक बार कह दिया है शांति, एक बार कह दिया मेल या मेल मिला। यूनानी भाषा में एक ही शब्द है आयरेनी, जिसका अर्थ है वो शांति जो शत्रुता के अभाव में उपस्थित है, वो शांति जिसमें कोई डर नहीं, जिसमें कोई भय नहीं, जिसमें कोई आतंक नहीं। एक बार पढ़ा एक आर्टिस्ट लोगों का एक 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 प्रोग्राम हुआ था, जिसमें संसार भर के आर्टिस्ट लोग आए और उनको एक थीम दिया गया था, एक विषय दिया गया था जिस पर उन्हें चित्र बनाना था, और वो विषय था शांति। शांति पर चित्र बनाए, किसी ने चित्र बनाया एक बड़ा सुंदर पहाड़ी दृश्य, ऐसा लगता है मानो कुछ भी वहां नहीं हो रहा है, बड़े शांत रूप से प्रकट हो रहा है। और दूसरे ने चित्र बनाया एक सुंदर एक झरने का दृश्य बनाया, तीसरे ने दृश्य बनाया तालाब का। इस प्रकार कई लोगों ने कई चित्र बनाए, लेकिन एक व्यक्ति को, केवल एक ही व्यक्ति को उस पेंटिंग का अवार्ड लगा, एक ही व्यक्ति को मिलता है। और उसके चित्र को जब लोगों ने देखा तो बड़े अचरज करने लगे, उसने तूफान बनाया। उसने अपने दृश्य में, चित्र में दर्शाया कि बड़ा भवंडर वहां पर मचा हुआ है, तूफान चल रहा है, लेकिन तूफान के बीच में एक पेड़, पेड़ में एक छेद, छेद जिसमें घोंसला बनाए हुए एक चिड़िया शांत रूप से बैठी। ये है सच्ची शांति। जब चारों ओर भवंडर मच रहा है तब आप शांति बनाए रख सकते हो, आपके दिल में वो आश्वासन है, उसे कहते हैं सच्ची शांति। जब चारों ओर परिस्थितियां सुंदर लगती हो, शांत लगती हो, तो शांति बनाए रखना आसान बात है। जब संसार में अशांति का माहौल है, वो सच्ची शांति केवल परमेश्वर ही हमें दे सकता है। उस शांति के बारे में, उस मेल मिलाप शत्रुता की विहीनता के बारे में तिमोथियस को लिखते हुए कहता है कि इसका पीछा तू कर, इसके पीछे तू भाग। ये कैसी बात है, ये मेल मिलाप क्या है? अदन की वाटिका में मनुष्य पाप कर गया, और हम कहते हैं मानव इतिहास का पतन हो गया, मनुष्य पाप में गिर गया, और इस कारण से संसार में दुख का प्रवेश हो गया, मौत का प्रवेश हो गया। अभी हम परमेश्वर के दास से सुन रहे थे कि इस कारण से परमेश्वर का दंड मनुष्य पर आ गया, और उसका नबूवती वचन स्त्री पर, पुरुष पर और सर्प पर आया। स्त्री से कहा, तेरे बीच में और इस सर्प के बीच, शैतान से कहता है, उसके बीच में और उस स्त्री के बीच में क्या उत्पन्न होगा? शत्रुता उत्पन्न होगी। सर्प से कहता है तो हमेशा धूल चाटता रहेगा। ये कैसा विद्रोह मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में किया कि उसका आज्ञा उल्लंघन करके वो दुष्ट शैतान के साथ अपना हाथ छोड़ दिया। परमेश्वर का न्याय मनुष्य पर प्रकट हुआ। वो कहा तू शांति से नहीं रह सकता, तेरे बीच में, मेरे बीच में एक दीवार आ गया है, वो पाप का दीवार है। तू जैसा सोचता है वैसा मेरा विचार और नहीं रहा, क्योंकि तूने भलाई और बुराई का ज्ञान का फल खाया है। अब तू कहता है कि बुराई और भलाई क्या है, मुझे मालूम हो गया है, मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं, मैं जानता हूं कि क्या सही है और क्या गलत है। आज भी संसार भर में हम देखते मनुष्य ही कहता फिरता है कि मुझे मालूम है सही क्या है, गलत क्या है। परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ, और साथ ही साथ एक वाचा भी हुआ। परमेश्वर ऐसा नहीं कि मनुष्य को छोड़ दिया, अरे तू कुकर्मी हो गया है, तू बुरा हो गया है, तूने बलवा किया है, तू मेरा विरुद्ध खड़ा हुआ है, अब हट जा मेरे नजरों से, हमेशा तेरे तू जा अंधकार के आश्रय ही एक अवस्था में मैं तुझे ढकेल देता हूं, ऐसा नहीं कहा। एक बीज होगा, स्त्री का बीज होगा,
सर्व के सर को कुचल डालेगा, जो सर्व के सर को कुचल डालेगा। शैतान ने कहा, जब बाइबल में नहीं लिखा, शैतान कहा होगा, अच्छा मेरे सर को कुचलेगा, देखता हूं कि मेरा सर कैसा कुचलेगा। जिस बीज के बारे में तू बोल रहा है कि मेरा सर कुचलेगा, जिस बीज के बारे में बोल रहा है कि उसके बीज और मेरे बीच में शत्रुता होगी, मैं बीज बीज को एक दूसरे का बैरी बना दूंगा। तू कहता है वो मेरा सर कुचलेगा, देख मैं उसके सर पर हावी हो जाऊंगा, उसके मन को मैं अपने कब्जे में ले लूंगा, उसके दिमाग को मैं अपने कब्जे में ले लूंगा। और उस समय से बाइबल बताती है कि अंधकार का शासन मानव जाति पर हो गया। संसार का ईश्वर ने उनके मनों को क्या कर दिया, अंधा कर दिया। और क्या हुआ, कैन हाबिल को मार दिया, कैन हाबिल को मार दिया। शैतान कहता है ले मेरा सर कुचलेगा, ये तो एक दूसरे को मार रहे। जो अपने आप को धर्मी कहता था, जो मेरा सर कुचलने वाला था, वो तो कुचला ही, वो तो खत्म हो गया। परमेश्वर कैन पर प्रकट हुआ और कहा, तेरा भाई कहां है? वो कहता है मेरे को नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? मनुष्य के बीच में शांति का अभाव, मनुष्य में मेल मिलाप नहीं, कोई मेल नहीं, भाई भाई का हत्यारा। ये क्या बात है? संसार में तीन बातें हमने कई बार इस बात को सुना, कई लोग इस बात को जानते हैं, हम सब जानते हैं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का खमन। और बाइबल बताती है तुम्हारे बीच में रगड़े झगड़े क्यों होती है। याकूब चौथा अध्याय उसका पहला पद से चौथा पद तक आप पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है वहां पे, तुम्हारे बीच में रगड़े झगड़े क्यों होते हैं, तुम्हारे बीच में शांति क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंगों में एक महासंग्राम छिड़ा हुआ है, तुम्हारे अंगों में एक महान युद्ध हो रहा है। और वो युद्ध क्या है, तुम चाहते हो तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए क्या करते हो, दाह करते हो, झगड़ा करते हो, एक दूसरे से नफरत करते हो। और ये आग तुम्हारे भीतर इतना इतना जोर से भड़का हुआ है कि तुम में कोई शांति और चाहते हो, जितना मिलता है उतना और चाहते हो। लालच, दाह, विरोध, गुस्सा, क्रोध, अभिलाषा, तुम चाहते हो तुम्हें मिलता नहीं, तुम कामना करते हो तुम्हें प्राप्त नहीं होता, इसलिए क्या करते हो, क्रोध करते हो और हत्या करते हो। मनुष्य के बीच में शांति नहीं, उसके भीतर में शांति नहीं, क्योंकि पाप का विष भीतर काम कर रहा है। शैतान कहता है मैंने उसके एड़ी को डस दिया है, वो सुख चैन से जी नहीं पाएगा, जिंदगी भर उसको सुख नहीं होगा। मनुष्य क्या मेरा सर कुचलेगा, उसका पैर तो विष से भरा, उसका जीवन विष से भरा हुआ है, उसके भीतर शांति नहीं है, वो क्या जय प्राप्त करेगा। नीति वचन 13:10 Proverbs 13:10 नीति वचन 13:10 आप खोने, वहां पर लिखा गया है रगड़े झगड़े क्यों होते हैं, रगड़े झगड़े केवल अहंकार से ही होते हैं, रगड़े झगड़े केवल अहंकार 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 ईगो अहंकार से होते हैं। जीवन में शांति
चैन नहीं है। परमेश्वर ने कैन से कहा, तू जिंदगी भर पृथ्वी पर भगोड़ा बना रहेगा, पृथ्वी पर से तू श्रापित है। शैतान कहता है अब ये तमाशा देखो, जो मेरा सर कुचलने वाला था वो ना तो स्वर्ग का रहा ना तो धरती का रहा। स्वर्ग में भी उसको स्थान नहीं, धरती में भी उसको चैन, भगोड़ा बनकर रह गया। परमेश्वर का वो दुश्मन और मैं उसका दुश्मन, ये मेरा सर क्या कुचलेगा। परमेश्वर के साथ इसका मेल नहीं, पृथ्वी पर आपस में इसका मेल नहीं, इसके भीतर एक बड़ा भवंडर है। कौन शांति की बात करेगा, इसके जीवन में कौन शांति लेकर आएगा। और ऐसा इतिहास चलता रहा। परमेश्वर भी जब नियम कानून दिया, व्यवस्था दिया, किसी प्रकार की शांति वहां पर दिखाई नहीं दे रही। इतिहास भर हत्याएं, इतिहास भर अशांति, इतिहास भर एक देश दूसरे देश पर, एक जाति दूसरे जाति पर, और ऐसी बातें घटी जिसे सुनकर हमारा हृदय दहला जाता है। कुछ बातें तो ऐसे हैं जिसका विवरण किया भी नहीं जा सकता। हिंसा, परमेश्वर कहता है मैं जगत को जल से समाया कर दूंगा, आठ लोग केवल बचेंगे, उसके पश्चात जो मनुष्य का घात करेगा उसका घात मनुष्य के द्वारा होगा। कहीं भी शांति की बात नहीं हो रही, और शैतान कहता है ये मजा चखो। परमेश्वर ने इसराइली लोगों को चुना कि ये मेरी प्रजा होंगे, उनके भीतर भी विष, कोई शांति नहीं। उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा टूट गए, उत्तरी भाग दक्षिण भाग से अलग हो गया, उत्तरी भाग पाप में दर बदर हो गया, एक भी राजा अच्छा नहीं निकला। दक्षिण भाग में पाप प्रवेश करता गया और वे बंधुआई में चले गए। शैतान कहता है मजा आया, तब एक तारा चमका, तारा चमका, धार्मिकता का वो तारा चमका। स्वर्गदूतों का एक बड़ा समूह मंडली स्वर्ग में उन कड़ियों को दर्शन दिए और कहे स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, मनुष्य के बीच में शांति हो, क्योंकि एक महान आनंद का संदेश मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। मनुष्य से शांति नहीं आ सकती, क्योंकि मनुष्य एक प्रॉब्लम बन गया, ब्रह्मांड में एक ही प्रॉब्लम, सारे ब्रह्मांड परमेश्वर ने बनाया, अंतरिक्ष में कितने तारे हैं, अरबों तारे, अरबों ग्रह आप कह सकते हैं, एक सौर्यमंडल, सौर्यमंडल में ग्रह, एक पृथ्वी, पृथ्वी भी समस्या नहीं, मनुष्य समस्या बन गया, मनुष्य निवारण नहीं। परमेश्वर यदि चाहता था शैतान को कुचलना, तो परमेश्वर के लिए आवश्यक नहीं कि मनुष्य बने, परमेश्वर तो शैतान को स्वर्ग से गिरा ही दिया, लेकिन मनुष्य को जय की आवश्यकता है, मनुष्य को जय की आवश्यकता है, इसलिए परमेश्वर मनुष्य बन गया। शैतान कहता है अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अनंत काल का परमेश्वर एक सीमित समय काल आकाश प्राणी बन गया, एक सीमित शिशु में प्रवेश किया, वो देहधारित होगा, अब
फसल कर रख दूंगा। हेरोदेश को पड़गाया राजा आए, हाकिम, पुरोहित, प्रजा भड़क उठे उसका विनाश करने के लिए। नहीं हो पाया 30 वर्ष तक कोई समाचार नहीं। केवल एक ही बार 12 वर्ष के उम्र में मंदिर में गया, कहा पिता की मर्जी पूरी करना है, उसका काम मुझे करना है। 30 वर्ष जब उसका जीवन छुआ, सेवकार में प्रवेश किया, शैतान आ गया, कहा यदि तू परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना। शैतान सोचता था अब मैं परमेश्वर को ही मिट्टी का गुलाम बना दूंगा, उसको धूल चटवाऊंगा, उसको भौतिक पदार्थ में सीमित कर दूंगा कि वो भौतिकता का गुलाम बन जाए, वो खाना पीना का गुलाम बन जाए, वो पदार्थ पुतगल में समाविष्ट हो जाए। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। उसने ये नहीं कहा मैं परमेश्वर का बेटा हूं, उसने कहा मनुष्य परमेश्वर का वचन से जीवित। शैतान ने कहा परमेश्वर का वचन से जिएगा, परमेश्वर का वचन से जिंदा रहेगा, अरे मैं तुझे देता हूं परमेश्वर का वचन, वो अपने हाथों में तुझे उठा लेंगे। कौन? स्वर्गदूत। वचन कहता है चल कूद जा, वचन से जिएगा ना जी। उसने कहा अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। उसने धार्मिकता पूरा किया, शांति का राजकुमार। शैतान कहता है इसका दिमाग खराब हो गया है, ये किस पर विश्वास करता है, क्या प्रमाण है? वचन से जिएगा बोलता है, वचन जो कहता है उसको परखने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है। द बाइबल इज वर्ड ऑफ गॉड, कैसे मालूम? बाइबल में लिखा है। इसका जीवन तो चक्र, इसका तर्क पूरा चक्र में चल रहा है। क्या लॉजिक है ये? क्यों विश्वास करता है परमेश्वर पर? क्यों विश्वास करता है उसके वचन पर? क्यों विश्वास करता है? क्या तर्क है मेरे पास? इसका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए कहता है मेरे सामने घुटने टेक जा, दंडवत कर, और मैं संसार तेरे हाथ में दे दूंगा। शैतान कहता है यीशु मसीह तो भाग जा, मेरे पास से भाग जा, क्योंकि परमेश्वर की सेवा ही करना। वचन कहता है तो उसी की सेवा करना और उसी के सामने ही दंडवत करना, परमेश्वर का अधीन। इसलिए फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय में वो कहता है उसने अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। उसने अपने आप को शून्य कर दिया। फिर गतसमनी बाग में शैतान का आक्रमण हुआ। यीशु मसीह परमेश्वर से कहता है यदि हो सके तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा दे। लेकिन बेटा अंत तक परमेश्वर का अधीन रहा। उसने कहा मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। क्रूस पर जब चढ़ गया, लटका हुआ था, तब भी शैतान नहीं छोड़ा, बोला अब इसको मैं खत्म करता हूं, ये कहीं मेल मिलाप ना करा दे, ये ना मेरा सर जैसा कुछ लेगा, देख मैं इसका बदन को तोड़ता हूं। उसका बदन को तोड़ डाला। यदि तुम परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतारा माउंट रहा, पिता तेरे हाथ में मैं अपने आत्मा को सौंपता। मंदिर का पर्दा फट गया, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो दीवार थी वो ढल गई, मनुष्य का मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया। इसलिए बाइबल बताती है इसलिए उसका दूसरा अध्याय उसका 14वां पद में कि वो हमारा शांति, हमारी शांति है, वो हमारा मेल है। प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल बन गया, हमारी शांति बन गया। ही बिकेम आवर पीस, ही इज आवर पीस। वो शत्रुता का दीवार ढल गया,
केवल इतना ही नहीं कि परमेश्वर के साथ जो शत्रुता है वो ढल गई। वो क्या कहता है, यहूदी और अन्य जाति के बीच में दीवार थी, वो ढल गई, वे एक हो गए, परमेश्वर के साथ उनका संबंध स्थापित हो गया। ये क्यों हुआ? उस शरीर के द्वारा जो फट गया, एक मार्ग उस अति पवित्र स्थान में हमें प्राप्त हो गया, शैतान का सर कुचला गया। मनुष्य परमेश्वर के साथ एक हो गया। इसलिए कहता है वैश्य के साथ जो संबंध रखता है वो शारीरिक रूप में उसके साथ एक हो जाता है, लेकिन जो परमेश्वर के साथ एक होता है वो प्रभु की आत्मा के साथ एक हो जाता है। आत्मिक बात है, जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। जब तक तुम आत्मा से जन्म नहीं पाओगे तुम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे, क्योंकि शरीर और मांस, मांस और लहू स्वर्ग राज के अधिकारी नहीं हो सकते। उस आत्मिक जन्म हमें प्राप्त हुआ, हम परमेश्वर के हो गए। अंधकार के राज से, कुलुसियों उसका पहला अध्याय में लिखा गया है, अंधकार के राज से, अंधकार के सामर्थ से, अंधकार के शक्ति से उसने अपने प्रिय पुत्र के राज में हमें प्रवेश दिलाया। ये कैसी सुंदर बात है, ये कैसा ही महान बात है। कुलुसियों 1:21 के अनुसार एक समय था जब हम अपने मन में परमेश्वर के बैरी थे, हम उसके दुश्मन थे, दुश्मनी। लेकिन रोमियो उसका 5वां अध्याय उसका 10वां पद में कहता है, जब हम शत्रु ही थे, जब हम दुश्मन ही थे, वो हमारे लिए मर गया ताकि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाए, ताकि हमारे भीतर जो अशांति थी, जो घमंडर था वो थम जाए, शांत हो जाए उसके एक वचन से। दूसरा कुरिन्थियों 5:19 पर वो कहता है, इसी मेल मिलाप का संदेश हमें दिया गया है, मैसेज ऑफ रिकंसिलिएशन, यही मेल मिलाप का संदेश हमें सौंपा गया है। कौन कहता है, संसार में कोई नहीं कहता है कि परमेश्वर के साथ मनुष्य का दुश्मनी हो गया था पाप के कारण। बाइबल बताती है वो दुश्मनी को खत्म करने के लिए यीशु मसीह लादा हुआ। जॉन रिचर्डसन की पुस्तक हम कुछ लोग जानते हैं, उनके पीस चाय एक जगह में गया था जहां पर वो सोचता था प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करेगा, यीशु मसीह का प्रचार करेगा, कुछ नहीं हुआ। आपस में जो जातियां जनजातियां थी आपस में भिड़ते रहते थे, एक कौम दूसरे कौम के विरुद्ध में था, एक दूसरे को नाश किए जा रहे थे। ये सोच रहा था इनको सुसमाचार कौन सुनाएगा, ये तो नरभक्षी लोग हैं। तब उसने देखा कि उनके बीच में एक संस्कृति थी कि शांति यदि करना है, ये जंगली लोगों के बीच में यदि शांति चाहिए तो कौम एक दूसरे के विरुद्ध में लड़ रहे हैं, शांति चाहिए तो एक कौम अपना बेटा दूसरे कौम को सौंप देगा, और जब तक वो बेटा उस कौम में बड़ा जिंदा रहेगा और बढ़ता रहेगा तब तक उन दोनों कौमों के बीच में क्या रहेगी, शांति बनी रहेगी। उस बेटे का नाम शांति का बेटा कहते थे, द पीस चाइल्ड। कोई भी देने के लिए तैयार नहीं था, मुखिया को कुछ 7-8 वर्ष के पश्चात ही एक बेटा प्राप्त हुआ था। उसने कहा मैं अपना बेटा उस कौम में, शत्रु कौम में दे दूंगा, जितने पुरनिये थे, जितने बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने प्राचीन थे, बच्चे पर हाथ रखा, कहा आप इस बेटे को, इस बच्चे को शांति के बेटे के रूप में ग्रहण करते हैं। हाथ रखा उस कौम में दे दिया, दोनों के बीच में शांति हो गई। परमेश्वर ने अपना बेटा हमें दे दिया, और ये मेल मिलाप का संदेश वो कहता है 20वां पद में, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय इसका 20वां पद में, कि तुम मेरे राजदूत, हम परमेश्वर के राजदूत हैं, एम्बेसडर्स। एम्बेसडर का काम क्या होता है, राजदूत का काम क्या होता है, झगड़ा करवाना। वो कहता है हम विनती करते हैं, राजदूत क्या करता है, विनती करता है, हर एक कोशिश अपने जीवन
परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाए। तिमोथियस मेल मिलाप का पीछा कर, कलीसिया से कहता है तुम्हारे बीच में डाक झगड़े क्यों होते हैं? यदि परमेश्वर का ज्ञान तुम्हारे बीच में है तो ऐसा नहीं होगा। वो मेल मिलाप का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा तुम्हारे बीच में नमक होना चाहिए, यदि तुम्हारे बीच में नमक नहीं है तो तुम फलवंत नहीं हो सकते हो। तुम्हारे बीच में मेल होना चाहिए। मत्ती 5 उसका 9 पद में लिखा है धन्य है वे जो मेल करवाते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। उस मेल मिलाप का पीछा हमें करना है, उस मेल मिलाप का पीछा हमें करना है। कोई दीवारें नहीं रखे हमारे जीवन में, किसी प्रकार की दीवारें नहीं। वो फलाना ऐसा है, ये फलाना ऐसा है, वो जाति का ऐसा होता है, ये जाति का ऐसा होता है, वो लोग ऐसा होता है, स्त्री पुरुष के बीच में दीवारें। हर एक दीवार यीशु मसीह के नाम से ढा दी गई है। एक ही नाम के अंतर्गत हम पाए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम। और वो मेल मिलाप का समाचार हमें प्राप्त हुआ है, उसका प्रचार करना है। यदि हम आपस में वो शांति बनाए नहीं रख सकते तो दूसरों को क्या प्रचार करेंगे, है ना? उस शांति के साथ चले, उस प्रेम के साथ चले, उस क्षमा भावना, उस अनुकंपा, उस अनुग्रह के वचनों को लेकर हम चले, उस मेल मिलाप का पीछा हम करें। तिमोथियस धर्म का पीछा कर, धार्मिकता का पीछा कर। तिमोथियस विश्वास का पीछा कर, प्रेम का पीछा कर और मेल मिलाप का पीछा कर। जवानी के भले अभिलाषा से परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष।